दिस क्वेश्चन नंबर 100 जिसमें क्या दिया है, अ गोल्फ बॉल हैज डायमीटर इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर, इट्स सरफेस एरिया हैज 115 डिंपल, ईच ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया व्हिच इज एक्सपोज्ड टू द सराउंडिंग अज्यूमिंग दैट द डिंपल आर हेमिस्फेरिकल। ठीक है, तो ऐसी कुछ बॉल की शेप है, तो लेट ये स्फेरिकल बॉल है जिसमें ऐसे डिम्पल्स हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ बीच में भी होंगे, ठीक है, तो ऐसे कितने डिम्पल्स हैं, 150 डिम्पल्स हैं, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हो कितना जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पूरी बॉल का सरफेस एरिया, तो पूरी बॉल का सरफेस एरिया हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ बॉल माइनस, अब देखो जैसे कि ये है हेमिस्फीयर, ठीक है, ओपन कर क्या रहे हैं, इस पोर्शन को हटा रहे हैं, ठीक है, इसकी जगह ऐसा डिम्पल लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है अपन मैग्नीफाई करके देखेंगे क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा लेट ये सरफेस एरिया है, ठीक है, अपन ने इस पार्ट को हटाया इतने को, ठीक है, और उसकी जगह ऐसा डिम्पल ले आए, ठीक है, तो देखो ये वाला एरिया तो हट रहा है लेकिन ये वाला एरिया जुड़ रहा है, ठीक है, तो क्या है पाई आर स्क्वायर हट रहा है और पाई टू पाई आर स्क्वायर जुड़ रहा है, ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ बॉल माइनस एरिया ऑफ एरिया रिमूव्ड, ठीक है, इसको एरिया रिमूव्ड कह रहे हैं अपन, प्लस एरिया ऑफ डिम्पल, ठीक है, क्योंकि हेमिस्फेरिकल है इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ रहा है, ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ बॉल कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ बॉल हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब, ठीक है, बड़ा आर क्यूब, माइनस एरिया रिमूव्ड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया एडेड हो जाएगा, एरिया ऑफ डिम्पल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अब क्योंकि ये 150 है, क्योंकि 150 डिम्पल है ना, इसमें अपन 150 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 150 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे लिखना होगा इसे पूरे माइनस 150 पाई आर स्क्वायर प्लस 150 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख दिया अपन ने, तो ये हो गया 4 पाई आर क्यूब, और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 150 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो पाई, तो अब सीधा अपन क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, कुछ और करने की जरूरत नहीं है अपन को, तो ये हो जाएगा 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर दिया है 4.1, ठीक है, बॉल का डायमीटर दिया है 4.1, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4.1/2, तो ये हो जाएगा 4.1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब नहीं आएगा स्क्वायर आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस 150 इंटू पाई 22/7, और आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा, क्योंकि एक डिम्पल का डायमीटर है, रेडियस है 2 मिलीमीटर, ठीक है, तो 1 मिलीमीटर होता है 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है, तो 2 मिलीमीटर हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर के इक्वल, ये हो जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर, फर्दर इसे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 71.68 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस आर रिक्वायर्ड आंसर, और ये अप्रॉक्स में रहेगा, ठीक है,